वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपको बताऊंगा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ये 8 ही हैं जो कि 70% इंग्लिश को कवर करते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अगर इंग्लिश सीखेंगे, कहीं पर नाउन आएगा, कहीं पर प्रोनाउन आएगा, कहीं एडजेक्टिव, कहीं वर्ब, कहीं एडवर्ब, कहीं प्रीपोजिशन, कहीं कंजक्शन, कहीं इंटरजेक्शन। जब आप ऐसे शब्द सुनेंगे तो आप कहेंगे इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, क्रिया, ये सब होता क्या है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, ये आपको कन्फ्यूज कर देंगे। इसलिए आपको इसकी शॉर्ट में जानकारी चाहिए। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं इंग्लिश टू हिंदी लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा में शब्दों पार्ट ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में शब्दों को रूप मतलब फॉर्म, बनावट मतलब स्ट्रक्चर और प्रयोग के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया गया है। इसी को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला है नाउन, संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा है वर्ब, क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, संबंधवाचक। सातवां है कंजक्शन, संयोजक। आठवां है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन मतलब संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, दशा, अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को संज्ञा मतलब नाउन कहते हैं। वस्तु के नाम है किताब, पेन आदि, पेंसिल, रबड़, ये सब, ठीक है। सेंटेंस देखिए, इट इज माई बुक। यहाँ पर बुक नाउन है, संज्ञा है। दिस इज अ पेन, पेन यहाँ पर संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम जैसे मनु, सुनीता, पप्पू, कुछ भी, ठीक है, जो भी आदमियों के नाम जितने भी हैं सभी संज्ञा है, नाउन है। देखिए सेंटेंस, मनोज इज अ गुड बॉय, मनोज अच्छा लड़का है। यहाँ पर मनोज नाउन है। सुनीता इज अ गुड गर्ल, यहाँ पर सुनीता नाउन है, सुनीता एक अच्छी लड़की है, ठीक है। स्थान के नाम, अमेरिका, इंडिया, गांव या कोई भी स्थान हो, ठीक है, उसे नाउन कहेंगे। सेंटेंस देखिए, अमेरिका इज अ गुड कंट्री, अमेरिका एक अच्छा देश है, यहाँ पर अमेरिका नाउन है। इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, भारत एक बड़ा देश है, यहाँ पर इंडिया नाउन है मतलब संज्ञा है, ठीक है। He was living in the village. वह गांव में रह रहा था। यहाँ पर विलेज नाउन है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन मतलब सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, मनोज इज अ गुड बॉय बट ही इज नॉटी, मनोज एक अच्छा लड़का है लेकिन वह शरारती है। यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो है ही। मनोज शब्द हमने एक बार यूज किया, उसके बाद हमने ही को यूज किया है मनोज के स्थान पर, ठीक है। एक और देखिए, सुनीता इज अ लवली गर्ल एंड सी लव्स मी, सुनीता एक प्यारी लड़की है और वह मुझसे प्यार करती है। यहाँ पर सुनीता जो नाम है उसे एक बार यूज किया गया है और उसके स्थान पर फिर दूसरी बार सी का इस्तेमाल किया गया है मतलब वह, ठीक है। कुछ प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, दिस, ही, सी, इट, दैट, दीज, दोज, इटीसी, ठीक है। अब थर्ड पर आ जाते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव मतलब विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, यू आर अ गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। ही इज हॉनेस्ट, वह ईमानदार है। दे आर आर 20 बॉयज इन द क्लास, कक्षा में 20 लड़के हैं। यहां पर गुड, हॉनेस्ट और 20, ये सब क्या है, विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है मतलब विशेषण है, ठीक है। अब देखते हैं क्रिया मतलब वर्ब।
किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के काम करने को प्रकट करने वाले शब्द को वर्ब मतलब क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। मनोज वेंट टू द विलेज, मनोज गांव में गए। यहां पर डांसिंग और वेंट वर्ब है क्योंकि ये कार्य बता रहे हैं, ठीक है, कार्य हो रहा है कोई इनसे। एक और देखिए, मनोज वर्क्स हार्ड, मनोज कड़ी मेहनत करता है। यहां पर वर्क्स क्रिया है जो बता रहा है कि कर रहा है वो कुछ काम। सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। यहां पर सिंगिंग वर्ब है जो कि बता रहा है कि गाना, ठीक है, इससे कुछ एक्शन होता है, क्रिया होती है वो, ठीक है। अब आ जाते हैं पांचवा, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, वह शब्द जो किसी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को परिवर्तित करता है उसे एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह अत्यधिक सुंदर है, ठीक है। यहां पर एक्सट्रीमली एडवर्ब है। ही इज वेरी गुड प्लेयर, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यहां पर वेरी एडवर्ब है जो कि गुड की गुड को और भी ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। एक तो अच्छा है ही और ऊपर से ये लग जा रहा है वेरी, बहुत अच्छा, ठीक है, क्लियर। एक और देखिए, मनोज रन्स वेरी फास्ट, एक तो फास्ट है ही मतलब तेज, ठीक है, फास्ट मतलब तेज है ही, और ऊपर से इसमें लग जा रहा है वेरी मतलब कि बहुत तेज, तो ये वेरी यहां पर एडवर्ब है। अब आते हैं नंबर 6, प्रीपोजिशन, संबंधवाचक, नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाने वाला शब्द जो बताता है कि दूसरे शब्दों से उसका क्या संबंध है। एग्जाम्पल, मनोज विल गो टू दिल्ली, मनोज दिल्ली जाएगा। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है जो कि दिल्ली को और मनोज विल गो, मनोज जाएगा कहाँ, दिल्ली, तो ये बीच में प्रीपोजिशन है टू दिल्ली को, ठीक है। द फुटबॉल इज अंडर द टेबल, फुटबॉल टेबल के नीचे है, यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन है। I have a book in my hand, मेरे हाथ में एक किताब है, यहाँ पर in preposition है जो कि बता रहा है कि हाथ में, ठीक है, में। अब आते हैं नंबर 7, कंजक्शन, संयोजक, ठीक है। दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन मतलब संयोजक कहते हैं। एग्जाम्पल, मनोज एंड रवि आर फ्रेंड्स, मनोज और रवि मित्र हैं, तो ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, मनोज एंड रवि, तो यहां पर एंड कंजक्शन है। बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, लड़के और लड़कियां खेल रहे हैं, यहां पर एंड कंजक्शन है। ही केम हेयर बट वेंट अवे, वह यहाँ आया था लेकिन चला गया, यहाँ पर बट कंजक्शन है जो कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, ही केम हेयर और वेंट अवे, वेंट अवे मतलब चला गया, ही केम हेयर मतलब वह यहाँ आया था, और बट उन दोनों को जोड़ दे रहा है, वह यहाँ आया था लेकिन चला गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर 8, इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक, अचानक दिल से निकलने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं, जैसे अलास हिज फादर इज डेड, अफसोस उसके पिताजी नहीं रहे या मर गए। सेकंड है हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, या आप कह सकते हैं वाह वाह हम मैच जीत गए, हुर्रे। तीसरा है ओ माय गॉड, ये अचानक से निकलता है ना जब चोट वगैरह लगती है,
या कुछ ऐसा अचंभा हो जाता है तो एकदम अचानक से आवाज आती है, ओ माय गॉड। तो ये भी इंटरजेक्शन है, विस्मय अधिबोधक। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहता है ओ एम जी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आप समझ गए हैं कि ये सब होते क्या है। अगर लेकिन इसकी आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक एक चीज को आप खोल के देख सकते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन के भी कई प्रकार होते हैं, प्रोनाउन के भी, और इनकी लिस्ट भी है जो कि काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वर्ब है, वर्ब 835 वर्ब की लिस्ट है, और एडवर्ब भी है उसकी लिस्ट है, प्रीपोजिशन की लिस्ट है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी है। आप पूरी लिस्ट मिल जाएगी, अब डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो देखिए, आप पूरी लिस्ट याद हो जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स टू वॉच, टेक केयर, बाय।